दोस्तों मैं आज आया हूँ दिल्ली जू मथुरा रोड पर। दोस्तों मैं सेकंड स्लॉट में आया हूँ जो कि 12:30 बजे से है और अभी 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो स्लॉट की एंट्री स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों एंट्री पे खड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप सब ऑनलाइन टिकट्स ले रहे हैं, तो मेरा आपको कहना है कि ऑनलाइन टिकट्स आप घर से ही लेके आओ क्योंकि यहाँ पर आके कई बार दिक्कत होती है। एंट्री कार है, आपको सारी राइड देगी जू की, इसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ है, बच्चों की टिकट फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल? तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली जू में, आपको यहाँ पे बताते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों इसकी टाइमिंग्स सुबह के 8:30 बजे से लेके है एक, और दूसरा स्लॉट जो है वो है 12:30 बजे से। दोस्तों आपको ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ेगी, बेटर है कि एक दिन पहले आप टिकट बुक करा लो, सिर्फ ऑनलाइन का ही मेथड है। तो दोस्तों 80 रुपये की टिकट है अडल्ट की, और बच्चों की 5 साल से छोटे बच्चों की टिकट फ्री है। दोस्तों अंदर खाने का कुछ सामान नहीं जाएगा, छोटे बच्चों के भी खाने का सामान नहीं जाएगा, सिर्फ बच्चे की पानी की बोतल जाएगी और दूध की बोतल जाएगी, और आप एक नॉर्मल रेगुलर वाटर बोतल भी ले जा सकते हो आम बंदों के पीने के लिए। अभी चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की सारी जू अंदर से, दिल्ली का जू। तो फ्रेंड्स आज सैटरडे का दिन है, थोड़ा सा रश आज हमें ज़्यादा मिल सकता है। अब हम पार्किंग में जा रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए, पार्किंग की फ़ीस 50 रुपीज़ है। पार्किंग एरिया के साथ में एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ही दोस्तों आपको टॉयलेट्स की सुविधा भी मिल जाती है और ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाता है। दोस्तों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे रूल्स को फॉलो करें और जू को एकदम क्लीन रखें। ये दिल्ली जू का मैप है, आप देख सकते हो क्या क्या लोकेशंस है इसमें। लोग ऑनलाइन ट्राई कर रहे थे टिकट लेने की, पर कईयों को दिक्कत आ रही थी। एंट्रेंस करने के लिए 5 गेट हैं और 5 लाइनें लगती हैं, साथ ही साथ ATM भी है यहाँ पे। एंट्रेंस के बाहर ही पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर वेट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अगर आपका कोई साथ ही आने वाला है तो आप उसकी यहाँ पे बैठ के वेट भी कर सकते हो। तो जब मैं गया था यहाँ पे सारे कैफेटेरियाज बंद थे, अंदर भी बाहर भी, तो आप खाना खा के आओ घर से। तो जब आप ऑनलाइन टिकट परचेज करते हो तो QR कोड का स्क्रीनशॉट जरूर लेके आओ क्योंकि वो यहाँ पे स्कैन होता है। सो एंट्री करने के बाद ऐसा एक ब्रॉड व्यू है। साइड पे सबसे पहले आपको ये डक्स मिलेंगी। मेरा सजेशन है कि आप बैटरी वाला राइड जरूर लें क्योंकि चलते चलते आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। आगे आगे बच्चे।
बैटरी राइड की टिकट है। अगर आपके फ़ोन में जूम का ऑप्शन है, अच्छा जूम होता है उसमें, तो वो बेटर है आपके लिए, वो लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स दूर दूर हैं, आपको जूम करके देखना पड़ेगा। दोस्तों बैटरी राइड के लिए भी बहुत सारी लाइंस लगती हैं, पर आप बैटरी राइड आगे जाके भी ले सकते हो, इसके कई पॉइंट्स बने हुए हैं। Big bear. Thank you.
तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।